पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश के दिल में गुस्से की आग धधक रही है। हर ओर नाराजगी बढ़ी हुई है। हर तरफ आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान का कड़ा विरोध हो रहा है और इससे बॉलीवुड भी अछूता नहीं। कारोबारियों और खिलाड़ियों के बाद अब बॉलीवुड के कलाकार भी हिसाब बराबर करने की मांग कर रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो या फिर अनुपम खेर क्यों ना हो, सभी की एक ही राय है, आतंक का हिसाब बराबर करो। अजय देवगन ने तो फैसला किया कि उनकी फिल्म टोटल धमाल पाकिस्तान में रिलीज नहीं करेंगे। Eventually, उस वक्त लोगों को लग रहा था कि रीजंस कुछ और हैं ये सब बात करने के, बट ऑनेस्टली जो आज फील कर रहे हैं वो तभी वही फील किया था, और टुडे ऑल्सो दिस इज आर वे ऑफ शोइंग कि हम सब साथ हैं, हम सब साथ खड़े हैं। जो भी हो, जो भी डिसीजन हमारी आर्मी लेगी, वी ट्रस्ट आर आर्मी, जो भी डिसीजन वो लेंगे वी आर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ दैट। और हमको ये भी पता है कि वो सब सोच समझ के करेंगे जो करेंगे। आई मीन एंगर अपनी जगह पे है, इमोशन अपनी जगह पे है, फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे है, फिर भी जब एक देश की बात आती है तो सब सोच समझ के किया जाता है, एंड आई एम श्योर वो सब सोच समझ के करने वाले, और वो जो डिसीजन लेंगे आई थिंक हम सब उसके सपोर्ट में रहेंगे। तिग्मांशु धुलिया ने भी कहा कि उनकी फिल्म मिलन टॉकीज पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। अक्षय कुमार ने लिखा है कि हम इस हमले को ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे। वहीं अक्षय कुमार ने भी इस हमले का कड़ा विरोध जताया है। इस घड़ी में सभी एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हर अभिनेता का कहना है कि भारत का जो भी फैसला होगा वो सही होगा और हम भारत के साथ हैं, सेना के साथ हैं। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी बेहद दुख है और तकलीफ है और मेरा मन बहुत उदास है। इन जवानों के घर वालों ने आज एक पति, एक बेटा, एक भाई, एक बाप खोया है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी रक्षा के लिए। द मूड जो है इज ऑब्वियसली टुवर्ड्स व्हाट इज द ट्रेजेडी व्हिच इज हैपेंड, सो द फोकस इज ऑफ कोर्स देयर, एंड एज अजय सेड दैट वी आर ऑल यू नो विद द कंट्री, विद द सोल्जर्स, एंड व्हाटएवर डिसीजंस दे टेक विल थिंक, दे विल थिंक एंड टेक डिसीजन द राइट डिसीजंस, एंड वी स्टैंड बाय द डिसीजंस। पाकिस्तान के खिलाफ बॉलीवुड की प्रतिक्रिया स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में बड़ी डिमांड है और बॉलीवुड अपना गुस्सा अपनी फिल्मों को वहां रिलीज नहीं करके जता रहा है। कूटनीति, विदेश नीति, खेल नीति, बॉलीवुड नीति के बाद अब खुद अपने ही घर में घिरता जा रहा है पाकिस्तान। कर्म ऐसे होंगे तो अंजाम भी ऐसा ही होगा।